कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में गोरखपुर जंक्शन पर एक नया रिकॉर्ड बना है। एक दिन में यहां 22 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई हैं। ट्रेनों से आने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जीआरपी काफी मुस्तैद है। ट्रेनों से आने वाले सभी यात्रियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एसपी रेलवे पुष्पांजलि ने बताया कि रेलवे द्वारा 3 मई से चलाए जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अब तक गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 230 ट्रेन पहुंची हैं, जिसमें 2.5 लाख से अधिक श्रमिक गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। इसी के साथ जीआरपी गोरखपुर अनुभाग के 10 स्टेशनों पर कुल 670 ट्रेनें आई हैं, जिसमें कुल तकरीबन 7 लाख श्रमिक आए हैं। एसपी रेलवे पुष्पांजलि ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जीआरपी पूरी तरह मुस्तैद रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल के मुताबिक राजकीय रेलवे पुलिस यात्रियों को सुरक्षित ट्रेनों से उतारकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए यात्रियों को बसों पर पहुंचाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। एसपी रेलवे ने बताया कि ट्रेनों में यात्रा कर रहे लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से आहार की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एसपी रेलवे पुष्पांजलि ने बताया। मई से लेके अब तक गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 230 ट्रेनें आ चुकी हैं, जिसमें लगभग 2.5 लाख जो है यात्री आ चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा पूरे गोरखपुर अनुभाग में 670 से ऊपर ट्रेनें आ चुकी हैं और इसमें लगभग 7 लाख से ऊपर यात्री पूरे अनुभाग में आ चुके हैं। कितने स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव होता है? ठहराव तो बहुत सारे स्टेशन पर है, लेकिन ऐसे स्टेशन जहाँ पर यात्री उतर रहे हैं, ऐसे हमारे एरिया में गोरखपुर अनुभाग में 10 स्टेशन हैं। हमने जो व्यवस्था की थी इस संबंध में, सबसे पहले यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करके उनको जो है सेफ डिस्टेंसिंग फॉलो कराकर उतारा जाए, इसके लिए हमने कोच वाइज यात्रियों को उतारने की व्यवस्था की थी। उसके बाद यात्रियों को गोले में जो एक समुचित दूरी पर गोले बनाए गए थे उसमें उतारा जाता था। उसके बाद उनकी थर्मल स्कैनिंग होती थी, रजिस्ट्रेशन होता था, फिर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया जाता था बसों में बैठाकर। ये यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई थी। और जहाँ तक फोर्स की बात है, फोर्स को कोरोना से बचाव के लिए व्यापक रूप से ब्रीफ किया गया था, पूरी तैयारी की गई थी और उनको जो कोरोना से बचाव के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता है वो सभी प्रोवाइड कराए गए थे। और जो पर्सनल सफाई से के संबंध में भी और एरिया सफाई के संबंध में भी जो प्रोटोकॉल सेट हुआ था उसको लगातार फॉलो किया जा रहा है सभी कर्मचारियों के द्वारा। साथ में जहाँ तक आपने पूछा कि कितनी फोर्स लगाई गई थी, तो हमारा बेसिक स्ट्रैटेजी ये रही है कि जिस मेजर स्टेशन पर ट्रेनें आ रही हैं उसके आसपास जो हमारे थाने हैं, जो चौकी हैं, जहाँ पर ट्रेनें शुरू में नहीं आ रही थी, उनके जो वहाँ पर जो स्टाफ नियुक्त था उनको बड़े स्टेशन पर लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही थी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लगभग सभी स्टेशनों पर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऐसे 10 स्टेशन हैं, मेजर जो स्टेशन हैं वहाँ पर ट्रेनें आ रही हैं, तो इसके लिए हमने जो है लाइन से जो हमारी फोर्स है, जो ऑफिस की फोर्स है, उनको भी लगाया हुआ है। आसपास ऐसे जो छोटे स्टेशन हैं जहाँ पर ट्रेनें नहीं आ रही हैं उनसे कुछ हमने अपने स्टाफ को वहाँ से निकाल कर बड़े स्टेशन पर लगाया हुआ है। जी, हमने एक व्यवस्था की थी क्योंकि यात्री बहुत दूर से आ रहे थे, तो हमने कम्युनिटी किचन की एक व्यवस्था की हुई थी। शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तभी से हमने ये प्रारंभ किया था जीआरपी लाइन में। इसमें हम मुख्यतः शुरू में हाईवेज पर और ऐसे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिला रहे थे।
लेकिन जब ये ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें आना शुरू हुई तो हमने ये व्यवस्था जो है स्टेशन की तरफ मोड़ दी और वहाँ पे हमने ये प्रयास किया कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको जो है खाना, रोटी, सब्ज़ी, तहरी, बिस्किट, मट्ठा, पानी, ये सब की व्यवस्था की थी हमने। और हम लोग विशेष रूप से महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को जो लक्ष्य करके ये व्यवस्थाएँ प्रदान कर रहे थे।